जा रहे हैं अपने घर, और ये है मनोरा का पार्क, यहाँ पे सब लोग बैठ रहे हैं और हस्बैंड वेट कर रहे हैं अभी, जो कितनी पब्लिक है वेट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि उनकी जल्दी छुट्टी हो गई थी तो वो जल्दी आ गए थे, इसलिए वो वेट कर रहे हैं और हमारी देर में छुट्टी हुई और हमने आइस लिया उसके बाद चेंज किया और यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग इफ्तारी। टाइम का वेट कर रहे हैं कि अभी टाइम हो जाए, उसके बाद हम लोग इफ्तारी कर। क्या कर रहे हो आप लोग, अब तो लेट हैं यार, आज मेरे रोजे छूट गए, रोजे छूटते थे कितनी तकलीफ होती है ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई। और मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, मैं जब से जॉब से हैं बस लेट की, मैंने कपड़े चेंज किए, कुछ करने का मन नहीं करा, आज मेरे रोजे छूट गए, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा मैंने, और रमजान भी जा रहा है तो और तकलीफ हो रही है, क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। सब्जी लाने वो फ़ोन किए थे, बोले थे बताओ क्या लेके आए, हमने बोला जो जल्दी से बन जाए वही लिख के आ जाओ, जल्दी से क्या बनेगा, भिंडी बन जाएगी, कद्दू बन जाएंगे, लौकी बन जाएगी, और क्या बन सकती है, जल्दी बनने वाली सब्जी, और उनको भी पसंद भी है, भिंडी पसंद है, कद्दू पसंद है, तो जल्दी बन जाएंगे, कर लिया और जल्दी जो बन जाए, अभी लेके आ रहे होंगे, खाना बनाएंगे रात किसने काम करते क्या करूँ। आज सुंदरी मुंदरी को भी मैंने कुछ खाने नहीं दिया, पता नहीं कहाँ सब घूम रही हैं, सुबह उनको देर हो रही थी तो हम चले गए, सुबह जब ढूंढते हैं उन लोगों को तब मिलती ही नहीं है, जब हम 5 बजे उठते हैं और जब जॉब पे जाने लगो जब तो मिलती हैं, तब इतना टाइम नहीं रहता है, दे देते हैं टाइम रहता है तो, लेकिन टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने दिया नहीं, लेकिन मुझे अभी अफसोस हो रहा है, बेचारे सब भूखे होंगे, अभी देखेंगे उनको, ये तो कुछ खाते नहीं, सब रोटी नहीं खाते, कुछ नहीं खाते, नवाब हैं सारे, बिस्किट दो उनको, चिकन दो, जो मेरे पास से वही तो देंगे ही नहीं, जितने पैसे उतने का तो खिलाएंगे उनको, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, गरीब इंसान क्या करेगा, कहाँ जाके जान दे देगा अपना, जो है वही तो देगा ना, नहीं समझते लोग। हम अपने सुंदरी मुंदरी को, वो लोग दिख नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, सोच रहे हैं वो लोग दिख जाएं तो कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि अभी रात हो गई है तो उनको देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं और वो लोग नीचे बैठती हैं आगे, लेकिन अभी उनको ढूंढ रहे दिख नहीं रहे। और ये रहा मेरा मनी प्लांट जो मैंने अपने गमले में लगा रखा है, उसको मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूँ यार, बहुत टेंशन हो रही है मुझे, जिसको देखो सबके चैनल ग्रो कर रहे, मेरे चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहे यार, कुछ तो करो यार, कुछ करो ना, इस गरीब पर रेम कर दो ना यार, कोई लोग रेम नहीं करते हम पर, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, वही डायलॉग सहनाज का मेरी फेवरेट है, सहनाज और सिद्धार्थ मेरे फेवरेट है, लेकिन क्या करूँ यार, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो कितने गंदे हैं ना, कितने गंदे हैं, क्या करूँ बताओ ना, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, कपड़े देखो पड़े हैं, ऐसे लग रहा है रोड पे पड़े हैं सारे, देखो तो ये, और ये मेरा पहले वाला फ़ोन जिससे मैं वीडियो बनाती थी, ये देखो इसको मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी वीडियो को, ये देखो इसकी साइड्स के जो बटन होते हैं वो भी गायब हो गए, नहीं है इसको ऐसे जो लगा के करना पड़ता है, इधर से भी टूट गया है, अब ये सिर्फ घर में बिस्तर पे आराम करता है बस, ये
सिर्फ बिस्तर पे आराम करता है और इसको कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ किसी काम के नहीं है, सिर्फ बिस्तर पे आराम करते हैं। देखो कैसे टूट गए थे मेरे फ़ोन, इतना जूम करके दिखाऊँ, ये देखो एकदम टूट गए थे, है ना, मैं दिख रही हूँ ना इसमें, ये देखो मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ ना, लेकिन तब भी आई लव माय फ़ोन, मैं बहुत प्यार करती हूँ इस फ़ोन से। नेल्स नहीं बढ़ते यार कभी, मुझे नेल्स बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन नेल्स मेरे कभी नहीं बढ़ते हैं। देखो कब बढ़ेंगे मेरे नेल्स, कब कब मेरी शौक पूरी होगी, मेरे नेल्स ही नहीं बढ़ते हैं, नहीं हाथ के बढ़ते हैं, नहीं पैर के बढ़ते हैं। देखो ये तो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े से टूट जाते हैं खुद ही, अपने आप से भी टूट जाते हैं। क्या करूं मैं पैर के लिए, बताओ ना मेरे नेल्स कैसे बढ़ेंगे। राज की बात बताऊं, ये वाली जो रिंग है ये 2017 में मेरे पति ने, जब मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने दिया था, फिर ये 2018 में दिया था, और ये भी शायद समथिंग 2018 या 19 में झुमके लाए थे बिग बाज़ार से 350 रुपये के। जब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बहुत संभाल के रखी है अपने पति की दी हुई चीज़ें, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, क्यूट सी है, लेकिन ये थोड़ी सी डैमेज हो गई इसलिए मैंने इसको रख लिया है, रखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिख रही होगी टूट गई है तो मैंने इसको रखा है। आप लोग कमेंट करके बताना जल्दी से ये कैसी लग रही है रिंग और झुमके मेरे, ये देखो मेरे लिए क्या आया है, ये मसाला फेवरेट मिल्क, और ये पार्ले जी की टॉफियाँ, लाने वाला कौन है ये बंदा खुद तो पान खा के आया है, और मेरे लिए ये देखो कितना मस्त लगता है ना ये पीने खाने में, और लगता होगा उसको कि मेरा ही नंबर है इसलिए तुमको फोन करती हूँ। बोलो हम सो गए और मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी, ये देखो कितना लाल लाल कद्दू, इसी बीच तुम कभी खाए हैं, ये कभी खाए हो, बहुत मस्त लगता है घूम के खा के उसको खा के। कच्चा नहीं था, है? कच्चा नहीं था ये, इतना पका पका लेके आए। देखो पका पका कद्दू, ये काटे मैंने कद्दू, और ये कद्दू मैंने रखा कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्ची दोनों डाल दिए एक साथ में। अभी ये जब ब्राउन होने के बाद इसमें हम अपना कद्दू ऐड करेंगे और शॉर्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, बस सब्जी बनके रेडी। टन टना सब्जियों को डालने के बाद अब करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार जितना मुझे चाहिए होगा,
ऐड किया सुबह, सॉरी सॉल्ट जो जितना मुझे चाहिए ना मैंने ऐड कर लिया, और फिर इसको फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के लिए, मिक्स होने के बाद इसको लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे और धीरे धीरे पकने इसको ढक के रख देते हैं, और फिर इसको 5 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। तो देखो मेरे, ये देखो सारे सामान इधर से उधर पड़े हुए हैं, पूरा मेरा मंदिर। ये देखो सारे सामान कैसे पड़े हैं, बिस्तर कहाँ कहाँ, जूते कहाँ, सब कहाँ, एक ही रूम में सब इधर उधर हो जाते हैं सामान। ये देखो मैंने आम के सारे पाउडर इसमें भर दिए, इतने ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खट्टे ना हो जाए, दांत ना खट्टे खट्टे हो जाए पूरे। इसको बीच बीच में देखते रहना चाहिए, सब चिपकने ना पाए, क्योंकि चिपकने लगती है, क्योंकि ये पक गया था पहले से, इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो इसकी वजह से इसको देखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद टेस्ट करूँ क्या थोड़ा है नमक कैसा है। नमक बहुत ज़्यादा हो गया, बस बनके रेडी सब्जी। यार मेरा चावल खाने का मन कर रहा था, बहुत दिन हो गया था मैंने चावल नहीं खाया था, और फाइनली मैं चावल बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाऊंगी अपने लिए। देखो इतना सा बनाऊंगी, थोड़ा सा। फाइनली हमारी कद्दू की सब्जी बनके हो गई है रेडी। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो इसका प्रॉपर कलर नहीं आ पा रहा है, लेकिन मेरी सब्जी बहुत ही प्यारी बनी है। और अब इस पे हरी धनिया कट करके ऊपर से डाल देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। अब इसको ढक के रख देते हैं, और मैंने डाला है अभी राइस, राइस हो जाए बॉयल। देखो ये कैसे बुलबुली मार रहा है, बोल रहा है कि क्यों रे बुलबुली मार रही है, कह रही मुझे खाओगे क्या, बुलबुली नहीं मारूंगी तो खाओगे कैसे। आटा गूंथ के रख दिया है यहाँ पे, ये देखिए आटे को गूंथ के मैंने ढक के रख दिया है, जिससे थोड़ी देर के बाद वो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है तो रोटी बहुत अच्छी सी बनती है। और यहाँ पे मैंने दूध रखा है, अब इसको बॉयल करना है। सब्ज़ी तो मैंने पहले भी दिखाया कि मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, धनिया की पत्ती रखी है, अभी इसको क्लीन करना है, उसके बाद कट करके सब्ज़ी में डालना है मुझे। छोटू से फ़ोन मेरा बीट कर रहा है, कह रहा अच्छा अब तुम्हारे पास नया फ़ोन आ गया तो मेरी कदर नहीं है, अच्छा बच्चा देखते हैं तुमको कब तक तुम मुझे साथ ऐसे घिनौनी हरकत करते हो। मेरी का ना, मेरी का तो अच्छा है, आप लोगों को कहीं दिख तो नहीं गया, आप लोगों को ऐसे करोगे मैं दिखने ही नहीं देती हूँ आप लोगों को। वहाँ पे मेरा राइस पक रहा है, और हस्बैंड गए नमाज पढ़ के, वो नमाज पढ़ के आएंगे तब तक मेरा खाना हो जाएगा रेडी। अपनी फ्रेंड को भेजनी है जो आई थी, अभी हम लोग बैठे थे, अब बैठ के घूम के अब जा रहे हैं छत पे, खाना खाएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज गए 7:30, और मैं अभी उठी हूँ, और अभी उठी थी एक बार, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, फिर मैं सुबह की, फिर मैं अभी उठी हूँ। और रोज़ की तरह यहाँ पे बन रही मेरी चाय, और रखी है ब्रेड, मैंने एक केला खाया है, और बस चाय बन जाए, उसके बाद चाय पीने के बाद फिर हम नहाते हैं। हम लोग आए ब्रेक पे, ये हमारा बरीटो है, ये हमारी फ्राइज़ है, पेप्सी, ये मेरी फ्रेंड की है, वो भी टिफ़िन लाने अपना गई है, और यहाँ पे देखो सब लोग खा रहे हैं।